जी मैम, सबसे पहले तो हमें लाइफ के ही जाना था कि लाइफ क्या है, हमारा डेली रूटीन, डेली शेड्यूल, वन टू वन हमारा क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो यही हम सबसे पहले जाना, सबसे पहले व्हाट इज लाइफ, लिविंग प्रोसेस क्या है हमारा, और जिससे हमें काम करना है वो हमारे थॉट्स हैं। जो अगर हम थॉट्स इंप्रूव करेंगे तो हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, हमारे एक्शंस पॉजिटिव होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए, तभी उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और अंडरस्टैंड, सब स्टार्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंड, एब्जॉर्व करें, थिंक करें, एंड देन गो फॉर दैट। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज तो मैम यही है, क्योंकि जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करते तो हमारा रिएक्शन ही रॉन्ग हो जाता है। हम जब 99% मैम यंग जनरेशन के अंदर, स्टूडेंट के अंदर ये होता है कि वो पूरी बात नहीं सुनते। वैसे तो हम में भी होता है, हम दूसरे के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पूरी बात सुनते समझते नहीं है, और फटाफट जल्दबाजी में कई बार रिएक्शन हो जाता है और वो गलत हो जाता है। अगर थोड़ा सा पेशेंसली सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर उसके रिएक्शन जो होते हैं, एक्शन पॉजिटिव होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैम, यही थोड़ा सा थॉट हम आगे प्रोसेस में लेके जाएंगे, सब लोगों को धीरे धीरे कन्वे करेंगे कि थोड़ा सुनकर समझ कर फिर रिएक्ट करना है। मेन मैम, जन जनरेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा है, बच्चों के अंदर तो बहुत ही ज्यादा है। 18-19 एज ग्रुप जो बच्चे आते हैं, वो लोग सोचे हम बहुत हम्बल है, बहुत स्ट्रांग है, हमारी हर चीज ठीक है, करेक्ट है, पर थोड़ा सा जैसे आप कल बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे कि पहले बहुत स्लो चलता था, सब लोग बैठे रहते थे कॉर्नर पे, सबको देखते रहते थे। आज के टाइम में भी ऐसा है कि अगर फैमिली में कोई बड़ा मेंबर है, दादी है, तो वो क्या करती है, वो हर चीज पे नजर रखते हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं, और उसका सोल्यूशन दे भी देते हैं, बता भी देते हैं कि ये चीज है। जबकि यंग जनरेशन को सोचती रह जाती है कि ये किस वजह से ऐसा रिएक्शन आ रहा है, और उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। इतना सोचने का मैम टाइम ही नहीं होता, फास्ट इतना है, जर्नी इतना फास्ट है कि हम लोग उस चीज को इतनी डेप्थ तक सोच ही नहीं पाते, बस रिएक्ट करता। मैं ना क्योंकि थोड़ा सा मैं अपना माइंड लगा रही हूँ कि यंग जनरेशन को कैसे हम स्लोली एंड स्टेडीली बदल सकते हैं, बिकॉज हमारा काम ही है। अब अर्बन के बच्चे तो हमारे हाथ से निकल गए, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, पर अगर रूरल के बच्चों का हम कंट्रोल कर लें तो हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन द सेंस कि मैम, हंड्रेड परसेंट हंड्रेड अर्बन मदर क्या कहती है कि मेरे बच्चे के पास 1 मिनट भी ब्रीदिंग टाइम नहीं होना चाहिए, विच इज रॉन्ग। बिकॉज अगर उसके पास ब्रीदिंग टाइम नहीं है, हर समय उसके माइंड पे प्रेशर है और उसको कुछ कुछ ना कुछ करना है, एंड इन द डेली शेड्यूल इफ वी टेल द चाइल्ड वेयर इज द टाइम फॉर यू टू सिट एंड कन्वर्स विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, विद योर पेरेंट्स, एंड ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन वॉट वैल्यूज वी आर गिविंग टू द चिल्ड्रन, वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट मैम, वो हिस्ट्री। लॉन्ग सॉरी, जी मैम, वो लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी बहुत वो जरूरी है। वैल्यू। यस मैम, वीडियोस वगैरह भी देखती रहती हूँ, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हमें तो फिर भी पता है कि हनुमान चालीसा क्या है, गीता के श्लोक क्या है, और हमें हमारे हमारे पूर्वज किस किस चीज की पूजा करते थे, पर आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता, तो वो चीजें भी लुप्त हो जाएंगी अगर हमने उनके टाइम टेबल में 15 मिनट या 20 मिनट नहीं डाले कि यू कन्वर्स विद योर पेरेंट्स, यू कन्वर्स विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो यूथ को लाइन पे लाने के लिए, मैं ना कभी मंदिर या गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ ना, तो मेरी नजर घूमती है कितने यंग बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, लाइक उनके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर हमने ही प्रेशर क्रिएट करा हुआ ना कि आप ये कर लो ये कर लो। हम कह मैम हमने बच्चों को टाइम खाली देना ही नहीं है, खाली टाइम शैतान का दिमाग है, पर कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना है कि उस शैतान के दिमाग में अगर कुछ अच्छी चीज डाल देंगे तो वो उसको याद रहेगी सारी उम्र। मेरे अपने थॉट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं भी कर पाती हूँ पर सोचती बहुत हूँ सब चीजों के लिए, तो
थैंक यू वेरी मच ज्योत्सना, इफ एनीबॉडी वुड लाइक मैम टू शेयर. थैंक यू यू, थैंक यू मैम, नहीं थैंक यू। कोई और शेयर करेगा तो फिर मैं सेशन शुरू करती हूँ. दो लोग तो शेयर करें फीडबैक, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो, क्योंकि मैं तो हर रोज फ्रेश नोट्स बनाती हूँ, तो अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैं फिर उस सेशन उस टॉपिक पे अपने नोट्स बना लूंगी. ठीक है. एनीबॉडी एल्स कोई और शेयर करना चाहेगा? नमस्ते मैम, नमस्ते सीमा. बहुत अच्छे से समझा रहे हैं मैम आप। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज, सब कुछ जो समझ में आए, वेरी नाइस। कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको बहुत ही अच्छा बताते हैं। क्योंकि मुझे भी फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो एफर्ट्स ही सब लोगों के जीवन में मतलब कि उसका इंपैक्ट आना चाहिए. और बिकॉज आप इतनी वल्नरेबल कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, तो आपके थॉट प्रोसेस ही उनका जीवन चेंज करेंगे. मेरे थॉट प्रोसेस नहीं, मैं तो खाली कन्वे ही कर रही हूँ आप लोगों को, बट यू आर टेकिंग दीज थॉट्स फर्दर. तो आज हम अपना फोकस करते हैं, क्योंकि जो मैं समझ पा रही हूँ इतने साल से, और स्पेशली जब हम S2S का प्रोजेक्ट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम एक चीज पे बहुत फोकस करते हैं कि हम एफर्ट्स भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं. और मैं इस चीज को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि जितनी भी रीड इंडिया की टीम है, और मैं अपने ऑफिस में भी कहती हूँ कि सल्यूट टू ऑल ऑफ देम, वी आर सिटिंग इन एन ऑफिस एंड दे आर इन द फील्ड, और वो हमारी हमारी बात समझ के उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो लोग कर रहे हैं. चाहे धूप है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश है, चाहे सर्दी है, दे आर नॉट टायर्ड ऑफ रीचिंग टू द पीपल. तो मैं सबको पहले तो अपना ग्रैटिट्यूड कन्वे करना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट्स लिख रहे हैं या प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वी आर जीरो विदाउट यू ऑल. मैं ये बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके बिना. ये आपको भी समझ आना चाहिए कि हम वी आर सो ग्रेटफुल एंड ग्रेटिट्यूड. देखो पैसा तो सबको मिलता है, सैलरी सबको मिलती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी. यस्टरडे ऑल्सो आई सेड इस मेरे लीडरशिप के टॉपिक में से आप पैसे को मत लाए, आप अपनी एफर्ट्स को इतना वैल्यू करें कि जो आप कर रहे हैं वो कम नहीं है. तो हर कोई जो भी कर रहा है वो अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहा है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है, और ये एफर्ट्स और हार्डवर्क जो है ये एक बुनियाद है, कंस्ट्रक्ट करता है एक ब्रिज को जो कनेक्ट करता है लोगों के ड्रीम्स को रियलिटी. आप समझ के, बहुत ये एक छोटा सा सेंटेंस है पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं और जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं और जो आपकी बेनिफिशियरीज भी एफर्ट्स कर रहे हैं और हार्डवर्क कर रहे हैं, ऑल ऑल इंक्लूसिव क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक ब्रिज की, जिस ब्रिज को पार करके वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल रहे हैं. इज इट राइट? है ना, एक यस ब्रिज, मैम, यस मैम, थैंक यू। एक ब्रिज बन रहा है जो आप लोगों के ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. कैसे? उनको वो ट्रेनिंग लेने की मतलब कि उनके विलेजेस में कोई स्कोप नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं ये ट्रेनिंग्स लेने के लिए. और उनके जो भी छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, कभी उन्होंने सोचा सोचा था कि मैं कुछ करूं अपनी जिंदगी में, और हम लोग आप लोग ज्यादा उस ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. और ये जो स्टेडी एफर्ट्स हैं, स्लोली स्लोली जो आपके एफर्ट्स हैं वो उनकी जो होप्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं. हर एक इंसान की अपनी होप होती है, एक एक उम्मीद होती है अपनी जिंदगी में, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आप खड़े होते हैं. और ये जो स्टेडी एंड स्लो एफर्ट्स हैं वो उनकी
ड्रीम्स को भी शेप अप कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करके कभी भी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये मेरा पूरा दावा है। और ये क्या है, कैसे हो पाता है, हमारे एफर्ट्स और हार्डवर्क क्या है, हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या है जिंदगी की तरफ। और जितने भी लोग रीत के साथ जुड़े हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उससे पीछे नहीं हूँ, हम सब अपनी लाइफ में कुछ हार्डशिप्स को फेस करके आए हैं। कोई भी हार्डशिप हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी अगेन, हार्डशिप ऑफ एनी थिंग इन लाइफ, वो है हार्डशिप को जो हम समझते हैं ना, वो हमारा एटीट्यूड बदल देते हैं अपनी तरफ और दूसरों की तरफ। जो हार्डशिप से निकला है ना, वो कभी भी चालाक नहीं, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा। ये अपने आप ही जो हिडन करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के साथ जुड़ जाते। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये हर रोज हमारी जिंदगी में नए चैलेंजेस आते हैं, पर हमारा एटीट्यूड इतना स्ट्रांग हो जाता है उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, और वो चैलेंजेस हम बाय डिफॉल्ट बुद्धिमत्ता से एड्रेस करना शुरू कर देते, क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता का इंग्लिश वर्ड है विजडम। हमारी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारी विजडम डेवलप हो जाती है, जिस विजडम से हम लाइफ के इन चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, और ये चैलेंजेस जो हैं रिजल्ट देते हैं जो विजिबल नहीं है। हम कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, कर्मों का फल कुछ तो विजिबल होता है और कुछ इनविजिबल होता है। जो इनविजिबल होता है इम्पैक्ट उसका, जो इनविजिबल फेवर आती है आपके हाथ में, वो आपको एकदम रियलाइज नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म में रियलाइज होती है। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दे, मैं जब विलेजेस में जाती हूँ और बात करती हूँ, बहुत सारी लड़कियां मेरे सामने आती हैं, और आप ये रोज एक्सपीरियंस करते होंगे, मैं तो जब जाती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो शादी होके उन विलेजेस में आ जाती, जब उनकी शादी हुई थी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं जिस काम में जा रही हूँ वहां पे मेरे लिए नौकरी तैयार है। उसने स्किल जब सीखी थी अपने अनमैरिड टाइम में अपने गांव में, उस समय उसको नहीं पता था कि मैं जब शादी होके दूसरे गांव में जा रही हूँ तो मेरे लिए मेरी नौकरी तैयार है। वो किस लड़की, स्किल तो बहुत लोगों ने सीखी होगी, और जिस लड़की ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सीखी, एफर्ट्स करके सीखी, हार्ड वर्क किया, उसने वो अपनी स्किल्स को लेके दूसरे गांव में आई, और दूसरे गांव में हमारा प्लेटफॉर्म उसको मिल गया, उसको वहां पे जॉब मिल गई, क्योंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था अपनी लाइफ में, उसने मेहनत करके सीखा, उसने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एड्रेस किया, और वो इस होप से आई कि कभी मेरे ड्रीम रियलाइज होंगे, और वो नए गांव में आके उसको नौकरी मिल गई थी दुनिया के सेंटर पे, और उसने अपने हुनर का, अपनी नॉलेज का प्रदर्शन किया, और कितनी लड़कियों को उसने सिखा दिया। एम आई राइट? ये मैं ठीक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रही यस हूँ, ये होता है? हाँ, मैम, जी मैम, बिल्कुल मैम। बिल्कुल होता है। और इसके साथ मैं अब लिंक कर रही हूँ जो मैंने, हाँ, एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क को अपने एटीट्यूड के साथ लिंक किया, तो इसमें उस तीनों चीजों से मेरी विजडम डेवलप हुई, मैंने बुद्धिमत्ता से काम किया, और बुद्धिमत्ता से जो मुझे इनविजिबल, जो उस समय मैंने फल सोचा था वो मुझे नहीं मिला, मुझे बाद में जाके वो फल मिला, तो ये मेरी एफर्ट्स का रिटर्न मुझे मिला। और मुझे क्या मिला उससे? ट्रू हैप्पीनेस, मुझे एक अंदरूनी खुशी मिली। वो खुशी वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो खुशी उसकी अपनी है, वो उसने हासिल की है। वो एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दूंगी,
जो राजा होते हैं ना जंगल का, वो शेर होता है, और वो शेर अपने किसी भी जानवर को अपने मुकाबले में नहीं समझता। वो कहता है, मैं तो शेर ही हूँ, मैं तो जंगल का राजा ही हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दैट रेजिलियंस, दैट ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू ब्रिंग इन द वुमेन वी आर वर्किंग विद। दे मे बी वाइफ्स, दे मे बी डॉटर्स, दे मे बी डॉटर इन लॉज, दे मे बी एनीथिंग, एनी पर्सनालिटी, बट दे आर द लॉयंस देमसेल्व्स। दे कैन डू वंडर्स। लॉयन तो रोर करता है ना, हमने रोर शोर नहीं मचाना है, हमने रोर करना है अपनी पावर्स को, अपनी पावर्स को प्रोटेक्ट करना है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए। इसका ये मतलब, मैंने क्यों लायन का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि एक लायन ही ऐसा जानवर है जो राजा कहलाता था, कहलाता है और कहलाता भी रहेगा। वो कभी भी उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा। ये जो ह्यूमन बीइंग्स ने स्टेटस दिए हैं वो चेंज हो जाते हैं, पर वो लायन का स्टेटस कभी चेंज नहीं होगा। तो यू हैव इनविंसिबल पावर। इनविंसिबल पावर वो होती है कि जो नजर नहीं आती है, हमारे में इतनी पावर है कि जो हमें नजर नहीं आती है, पर अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम सच्चे इंसान हैं, हम अपनी एफर्ट्स और हार्ड वर्क अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से कर रहे हैं, तो हमारे में लायन जैसी पावर आ जाती है। और उस पावर को रियलाइज करने के लिए हम डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज वी फील कि आज मुझे उसके लिए काम करना है, आज मुझे उसके लिए काम करना है, आज मैंने उस लड़की से बात करनी है, आज मैंने देखना है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, आज मैंने देखना है वो लड़की आई थी वो सैड थी बड़ी, क्यों सैड थी, मुझे पहले 10 मिनट निकाल के उसके साथ बात करनी है, उसकी सैडनेस को समझना है, उसको एक रास्ता दिखाना है। और अब मैं जो इतनी सारी चीजें बोल रही हूँ, मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए कि क्या आप में लाइन जैसी पावर है कि नहीं है। यस और नो बोलिएगा बस, यस मैम है ना। हाँ वेरी गुड। एंड वी आर क्रिएटिंग लायन इन एवरी होम नियर बाय आवर सेंटर्स। यस और ये जो पावर है ये हिडन है आप, और हमने इस पावर को नेगेटिव में यूज नहीं करना है, ये पॉजिटिव पावर है आप। और ये पॉजिटिव पावर को अगर हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे हर रोज अपनी गुड डीड्स ऐड करके उसमें, तो आप ये देखो ये पावर कहाँ लेके जाओगे आप, है ना। तो फिर कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, कुछ भी आ जाए आपके सामने, आप बहुत पेशेंस और परसिवेरेंस से काम करेंगी, आपको आस्ता 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 आपकी पर्सनालिटी में इतना बदलाव आ जाएगा कि आपकी एनालिटिकल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी क्या गलत है और क्या ठीक है, क्या मुझे इस रास्ते पे जाना है कि नहीं जाना। मेरे लिए चाहे 1,000 लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना, पर मेरी अंदर से आवाज आएगी कि मैं ठीक कर रही हूँ। उस आवाज को पहचानना है बस। उस वो आवाज तब आती है जब मैं आपको कह रही हूँ कि इनविजिबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, वो दिखाई नहीं देते, वो आपके अंदर है, तो उसको रियलाइज करना है। एंड दैट इज द ट्रू हैप्पीनेस। वो ट्रू हैप्पीनेस अगर आपने रियलाइज कर ली तो आपके लिए हर काम आसान है। अब इसके साथ मैंने पहले एटीट्यूड की बात करी, राइट। मैंने 4 पॉइंट्स बोले थे, एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क, हमारा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, विजडम, विजडम के बाद हमें ट्रू हैप्पीनेस मिल रही है बिकॉज वी आर लाइक लायंस एंड वी आर हैविंग द पावर विद इन आवर अस, एंड हम समाज में चेंज लाने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले बच्चों का एग्जाम्पल दिया, हम यूथ के साथ भी काम करते हैं, हम वुमेन के साथ भी काम करते हैं,
हम फार्मर्स के साथ भी काम करते हैं, और हमारी जो उनके साथ डिस्कशन होनी चाहिए ना, वो हमेशा एक वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। अदरवाइज एवरीथिंग इज गॉसिप। गॉसिप हम करते हैं, पर गॉसिप का मीनिंग इतना स्ट्रॉन्ग डिराइव नहीं होता जितना हमारी वैल्यू बेस्ड कन्वर्सेशंस का होता है। तो ये भी हल्के हल्के हमने औरतों में आदत डालनी है, क्योंकि मुझे फरा की बात बहुत अच्छी लगी कल। फरा ने बोला कि वो जो बुजुर्ग इंसान चौपाल में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि तुम बार चार पाई खा के बैठ जाती हो और गॉसिप करती हो, तो वही टाइम वहां सेंटर में जाके कुछ सीख लो तो वो वैल्यू बेस्ड हो जाएगा। तो गॉसिप को हमने वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमें एक आर्ट आना चाहिए। एंड फरा गिव दैट एग्जाम्पल। और उसके बाद फरा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली कि हम बहुत शुक्रगुजार हुए। शुक्रगुजार राइट का मतलब कि हम बहुत, हमने ग्रैटिट्यूड फील करा, लिविंग विद ग्रैटिट्यूड। और लिविंग विद ग्रैटिट्यूड एट एवरी पॉइंट एवरी स्टेप इज अ यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। हम अपनी ह्यूमैनिटी को एक्सप्रेस करते हैं अगर हम सी, मैं लिविंग विद ग्रैटिट्यूड की बात कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड इज ए यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस बाय पीपल। अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यूनिवर्सल में पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी, ठीक है। जब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो सबको उसका थोड़ा थोड़ा शेयर मिलता है, जिन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और जिन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड से समाज को बदलने की कोशिश की। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड इज थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस ऑफ एवरीथिंग। मैं एक वीडियो वैसे ही देख रही थी जिसमें कोई साधु बोल रहे थे कि क्या हम सुबह उठ के थैंक्स करते हैं सूरज का, हवा का, रोशनी का, खाने का। हम अपनी लाइफ में इतने भाग में रहते हैं कि हम वो भी ग्रैटिट्यूड करने करना भूल जाते हैं। हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और ग्रैटिट्यूड इज अ गाइड स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। ह्यूमन एजुकेशन, मैं इधर डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड को, थैंकफुलनेस को, ये हमारी ह्यूमन एजुकेशन में वैल्यू ऐड होती है। एंड दिस एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, विच हैज टू कम टू एवरी ह्यूमन बीइंग। थैंकफुलनेस रहना, थैंक्स कहना, भगवान को शुक्रिया कहना, गुरु जी को शुक्राना कहना, और जहाँ भी हम कुछ भी कर रहे हैं, हम हमेशा अगर शुक्राने की नजर से काम करते हैं। अगर आपके सेंटर में आपने किसी से बात करके उसको 10 मिनट टाइम देके उसकी समस्या को सुना, दैट इज ऑल्सो ग्रैटिट्यूड। एंड अगर हमारी ह्यूमन एजुकेशन रिच हो जाती है तो हमें अपने आप ही नई अपॉर्चुनिटीज नजर आनी शुरू होती है। जब हमें नई अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं तो हमारा नेटवर्क बढ़ता है। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब नेटवर्क बढ़ता है तो हमारी फ्रेंडशिप ग्रो होती है। फ्रेंडशिप ग्रो होने का मतलब, मैं यहाँ पे ये भी कह रही हूँ कि आपके सेंटर में जितनी भी लड़कियां आती, जितनी भी औरतें आती, सब आपकी फ्रेंड्स हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये मेरी फ्रेंड नहीं है। हम ये भी नहीं कहते भाई मैं तो बॉस हूँ, आप सब तो वर्कर्स हो, आप सबको तो सिखाने का बीड़ा मेरे कंधे पे है, तो आई एम द किंग एंड द सेवक्स। ऐसे तो है ही नहीं, आपका एटीट्यूड ही नहीं है ऐसा। तो जब हमारा फ्रेंडशिप का नेटवर्क ग्रो होता है तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एक्सपैंड होता है, और हमारा फ्यूचर भी ब्राइटनेस की तरफ जाता है। ये बहुत इनविजिबल जो डीड्स हैं, मैं उनको आपके सामने हाईलाइट कर। तो लिविंग विद ग्रैटिट्यूड इज ए यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस बाय पीपल। ग्रैटिट्यूड क्या है? धन्यवाद है बहुत बड़ा, शुक्रिया है बहुत बड़ा, और ये एक गाइडिंग स्पिरिट है ह्यूमन एजुकेशन।
और जब ये गाइडिंग स्पिरिट बन जाती है ह्यूमन एजुकेशन की, तो हमारे लिए अकस्मात ही बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं अपॉर्चुनिटी के। हियर आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल। व्हेन वी स्टार्टेड एक्सेंचर, वी वर नॉट श्योर कि हमें 216 2016 में ग्रांट, और वो ग्रांट 2025 तक कॉन्टिन्यू। दिस इज अ बिग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस कि इस ग्रांट से हमने आप सबको जोड़ा हुआ है, एक तार में बांधा हुआ। और अगर हमारा ग्रेटिट्यूड नहीं हो, हमारे ट्रू हैप्पीनेस हम नहीं इवॉल्व करते, अगर हम सिंसेरिटी से काम नहीं करते, हमारे हार्ड वर्क नहीं होता, हमारा पैशन नहीं होता लोगों को रीच करने का, तो 2025 तक ग्रांट नहीं आती। हर साल स्मिता और मैं वी थैंक टू गुरुजी, वी थैंक टू ऑलमाइटी, वी थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एफर्ट्स कि हमारी ग्रांट कंटिन्यू होती जा रही है। तो ये किसका इनविजिबल रिजल्ट का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता। इवन 31 मार्च 2024 तक स्मिता, क्यों हमें नहीं पता था कि पैसा आएगा, ग्रांट आएगा। बिकॉज द नेचर रियलाइज द नीड टू रीच आउट टू मोर वुमेन, दैट्स वाई द ग्रांट केम। और उसका ग्रांट आने का एक तो नेचर ने रियलाइज करा। नेचर ने क्यों रियलाइज करा? इनविजिबल रिजल्ट्स जो एनवायरमेंट में थे वो कैसे आए? बिकॉज ऑफ योर सिंसेरिटी, योर हार्ड वर्क, रीचिंग आउट टू पीपल, उनको सिखाया आपने, उनको एक ट्रांसफॉर्म चेंज लाया तुमने। मुझे तो खाली महसूस करती हूँ, और कभी कभी जाती हूँ देखती हूँ, आप तो रोज उस ट्रांसफॉर्म चेंज को आप एब्जॉर्ब भी करते हैं, देखते भी हैं और ग्रो भी करते हैं। एम आई राइट? यस और नो में जवाब दे दीजिए, यस मैम, है ना? रियलिटी है ना यस ये? और जब हम ये सारा काम करते हैं, तो हम डे इन डे आउट एनकरेज करते हैं लोगों को, क्योंकि आपको पता है अगर मैं उसको एनकरेज करूंगी आज, तो उसकी जिंदगी चेंज होगी और वो आगे 10 लोगों को एनकरेज करेगी। तो ये एक चेन बिल्ड होती जा रही है। इस चेंज का जो इम्पैक्ट आता है वो इनविजिबल है, क्योंकि वो लड़की अपनी फैमिली में 5 लोगों को और चेंज कर रही है। वो अपनी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको एड्रेस करने की लायन की तरह क्षमता रखती है, और वो जर्नी को, वो इतना अपनी लाइफ को भी चेंज करती है। और अपनी लाइफ को चेंज करने से पहले जो उसके आसपास सारी महिलाएं हैं जिनके साथ वो काम कर रही है, पहले उनका बीड़ा उठाती है कि मुझे उनकी लाइफ को कैसे चेंज। मैं जो भी बोल रही हूँ, जो आपने किया है उसको समराइज कर, मैं कुछ नया नहीं बोल रही। आपने जो प्रैक्टिकली किया है मैंने उसको एक ढांचे में डाल दिया है, क्योंकि आप इतने बिजी हैं अपने काम में, आप रियलाइज ही नहीं करते कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? आपको ये लगता है कि बस हम कर रहे हैं, पर उसको रियलाइज करना भी बहुत जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हमें इससे क्या फायदा हो रहा है। और इसमें फायदा सेल्फिश नहीं है, आपका बिल्कुल भी सेल्फिश फायदा नहीं है। आपका फायदा है कि दूसरे कैसे बदल जाए, आपकी सोच है कि हमने दूसरों में कैसे बदलाव लाना है। और जब ये सोच बिल्ड हो जाती है दूसरों में कैसे बदलाव लाना है, तो आफ्टर 16 ईयर्स, और जितने भी सालों से आप लोग जुड़े हुए हैं, वो अगर आप साल अपने सामने रखेंगे, तो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ही आती है, थैंकफुलनेस की फीलिंग ही आती है हमारे में, एक मतलब कि सरेंडर की फीलिंग आती है, इन द सेंस सरेंडर टू ऑलमाइटी, सरेंडर टू द स्पिरिचुअल पावर दैट वी गॉट द स्ट्रेंथ टू वर्क ऑन दिस मिशन, है ना? तो ये बहुत जरूरी है अपनी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना और समझना। मैं यहाँ पे ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि एज वी आर इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ आर प्रोजेक्ट, है ना, दूसरे क्वार्टर में हम आ गए, फर्स्ट क्वार्टर में आपने बहुत मेहनत करी,
दूसरे क्वार्टर में जब आए हैं तो हम एक हमें अपने डिटर्मिनेशन को रिन्यू करना है कि एनालाइज करना है कि लास्ट क्वार्टर में हमने क्या किया था और इस क्वार्टर में हमारा डिटर्मिनेशन क्या है, हमारी कमिटमेंट क्या है और हमने कितने लोगों की लाइफ को चेंज करना है और कैसे चेंज करना है। जॉयफुली कंडक्टिंग द मोबिलाइजेशन, विजिटिंग होम विजिट्स, फरा ये तुम कर रही हो, मैं फिर भी एनालाइज कर रही हूँ, बोल रही हूँ। विद होम विजिट्स आप सब लोग कर रहे हैं, एंगेजिंग इन वन ऑन वन डायलॉग्स, वन ऑन वन कन्वर्सेशन एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन मीटिंग्स बाय अप्लाइंग द थ्री प्रिंसिपल्स व्हिच आई एम शेयरिंग विद। अभी नए डिटर्मिनेशन से, रिन्यूअल एनर्जी से, अपनी एनर्जी को रिन्यू करके जॉयफुली खुशी से हम अगर और औरतों को मिलेंगे, अपने फ्रेंडशिप का दायरा बड़ा करेंगे तो 100% हमें रिजल्ट। वन टू वन डायलॉग किस लिए? क्योंकि एक लड़की दूसरे कोने में खड़ी है और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है आपके पास आके बात कर। हमारी नजर उस लड़की के भी है, हमने किसी को छोड़ना नहीं है। दूसरा, लड़कियां जो आ रही हैं कमिटमेंट से आए, आपसे बात करके उनमें एनर्जी पैदा हो, एनर्जी पैदा होने के बाद वो अपने आप को एंगेज करें और अपने आप को एनेबल करें, कुछ सीख के वो इस सेंटर से जाएंगी तो सेंटर का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और वो लड़कियां अपनी फैमिली का अपना भी भला करें। दैट इज माय पॉइंट हियर। और जो 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है, बीइंग कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब है कि करुणा के साथ। करुणा जब हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में, हमारे हमारे लाइफ स्पैन में आती है तो क्या हट जाता है, क्योंकि समाज आजकल चल रहा है ग्रीड है, एंगर है, कंफ्यूजन है और पीपल आर सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है कि उनको विश्वास ही नहीं है। जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको विश्वास नहीं आता, उनका फेथ ही नहीं है और उनको ये लगता है ये सब कुछ मीनिंगलेस है और ये उनको ये लगता है कि इसमें हमारे लिए क्या है, हमें कितना पैसा मिलेगा। ये सब कुछ चीजें आती हैं जिसका एक ही वर्ड है इंग्लिश में, सिनिकल। वो सिनिकल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि हमें पुल कर देते हैं बैक में कि आप नहीं करें हमसे बात, हमें समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। पर हमारी कंसिस्टेंट एफर्ट्स, हमारी करुणामयी एफर्ट्स, अगर हमारे में ईगो आ जाएगी तो हम बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आना तो ना सही, हम किसी और के पास जा। पर नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही आप उनके लिए क्या लेके जा रहे हैं। जब आपको उनको समझ आ जाएगी कि आप उनके लिए क्या लेके जा रहे हैं तो अल्टीमेटली दे विल कम बैक टू यू कि हाँ हमें भी सीखना है। और ये एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत है, मैं सिर्फ इसमें यही हाईलाइट कर रही हूँ कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है और हम कंपैशनेट हैं लोगों को रजिस्टर करने में, मोबिलाइज करने में, ट्रेनिंग देने में, क्योंकि हमारा मिशन हमें क्लियर है। हमारा मिशन है कि हमने लोगों को ट्रांसफॉर्म करना और जितने भी उसमें चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करना, एंड दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। ये क्वालिटीज एक लीडर की हैं। अगर हम कंपैशनेट बन जाते हैं तो वी आर लाइक वेरी वेल लीडरशिप क्वालिटीज हमने इम्बाइब कर ली, क्योंकि हम लोगों के हार्ट्स को टच कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं भी आप समझिए हम आपके लिए क्या लेकर आए। रीड की दुनिया है वो अलग है, उस दुनिया में हम आपके लिए दुनिया बाहर खराब भी हो सकती है, दुनिया बाहर चालाक भी हो सकती है, दुनिया बाहर धोखेधड़ी भी करती है, पर एक रीड की हम वर्ड, रीड की एक दुनिया क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हम दूसरों को भी उसमें जोड़ के लेकर आ रहे हैं। तो इन द लॉन्ग रन, अब ये रीड वर्ड मैंने नया कॉइन करा है,
और जब नेक्स्ट सेमिनार करेंगे तो इसमें हम रीड वर्ड को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग रीड वर्ड, राइट। अगर हम नेपाल भूटान सबको जोड़ लें तो कितना बड़ा रीड वर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। दूसरा है फोस्टरिंग फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मींस अगर सामने वाले से मैं बात कर रही हूँ, फ्रेंडशिप वो नहीं होती कि लेन देन का एक्सचेंज, गिफ्ट्स का एक्सचेंज। फ्रेंडशिप वो होती है कि मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो माइंड है, वो एक दोस्ती के नाते बात करते हैं। मैं एक दोस्त हूँ जो मैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसके हार्ट में उतरना चाह रही हूँ कि उसके जो भी चैलेंजेस हैं, जो दुख है, जो दर्द है, उसको मैं कैसे सोलेस पहुंचा सकती हूँ और मैं कैसे उसको एनकरेज कर सकती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी तेरी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी, इस अपॉर्चुनिटी को तुम एनकैश कर दो। तो वो जो बॉन्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज फ्रेंडशिप। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वन वुमेन वन फैमिली वन विलेज, फिट्स इन एनरिचिंग द विलेज वन बाय वन। हमारे विलेज में अगर 100 फैमिलीज हैं, हमने 100 फैमिलीज में से 100 औरतों को रजिस्टर कर लिया है, दैट मीन्स हमने पूरे विलेज को एनरिच कर दिया, राइट। और वन वुमेन वन फैमिली वन विलेज के कॉन्सेप्ट से हम रीड की दुनिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, क्रिएटिंग ए विक्टोरियस सेल्फ। वी आर द विक्टोरियस। हमने अपनी आप में एक जीत हासिल कर ली है कि हमने सब में बदलाव ले आया। तो क्रिएटिंग ए विक्टोरियस सेल्फ इज बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग सेल्फ। मेरी अंदर आत्मा को शांति मिल रही है, मैं लायन की तरह अंदर से मेरे में पावर आ रही है कि आई एम विक्टोरियस, आई एम अ मिशनरी फॉर चेंजिंग द लाइफ ऑफ द पीपल। ये मैंने अपने मिशन को फुलफिल किया है बाय एनकरेजिंग, एनेबलिंग, एम्पावरिंग द पीपल, हेल्प देम टू ब्रेक थ्रू एनी इम्पैस। इम्पैस क्या होता है? डेडलॉक, जो रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं उनकी जिंदगी में। कोई कहते हैं मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, कोई कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहते हैं मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है डाल के सेंटर में आने के लिए, कोई कहते हैं मेरे छोटे बच्चे हैं। तो ये उनके लिए डेडलॉक्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, और हम उनके साथ बॉन्डिंग करके, फ्रेंडशिप करके, हम उनके इन सारी चीजों के आंसर दे रहे हैं और हम उनको सेंटर पे ला रहे हैं। सीमा जी, ये मैंने आपके सेंटर से सीखे है और मैंने फरा के सेंटर से सीखे, मैं आपकी बात ही आप तक पहुंचा रही, खाली मैंने उसको वर्ड्स में पुरो दिया है बस, और कुछ नहीं किया, राइट। 12 के सेंटर में भी यही हालात है। तो हम विक्टोरियस बन रहे हैं, सेल्फ विक्ट्री ले रहे हैं, जिसका इनविजिबल इनविजिबल जो उसका इनविजिबल इफेक्ट है वो हमारी लाइफ में आए। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस होंगे, पर मैं हमेशा इस इनविजिबल इफेक्ट की तरफ कोशिश करती हूँ, अपनी एनर्जी लगाती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं 100 लोगों की मदद कर दूँ या 50 लोगों की मदद कर दूँ, जो मेरे चैलेंजेस हैं वो नेचर उसको कम कर, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को लाइफ का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो मैंने कल भी इस बात को हाईलाइट किया था कि हमारे जो छोटे छोटे दुख है ना, जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो अपने आप ही जो पावर है, इनविजिबल पावर है, वो आस्ता आस्ता उनको रिमूव कर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रही थी, जिसमें बीइंग कंपैशनेट, फोस्टरिंग फ्रेंडशिप एंड क्रिएटिंग ए विक्टोरियस सेल्फ। मैंने बहुत एनर्जी से, बहुत जोर शोर से सब ये बोला है, बस मेरा एक और पॉइंट रह गया है जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, और अगर आप कर सकते हैं तो करिए। हमारी अंदर की कमिटमेंट है कि हम एक कैंपेन चला सकते,
और आप सब चलाइए और मुझे उसकी रिपोर्ट भेजिए। कैंपेन क्या चलाना है? आई विल क्रिएट माई ओन स्माइली रेवोल्यूशन। स्माइली पता है, स्माइली फेस है ना। और अगर जो लड़की के आपने उसके चैलेंजेस, उसके बात सॉरी, उसके चैलेंजेस, उसके अप्रिहेंशंस, उसके व्हाटएवर रोड ब्लॉक्स, डेड ब्लॉक्स वो फेस कर रही थी, उसको हमने रिमूव कर दिया और उसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। और जब हम उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसको हम एक स्माइली का ब्रोच भी दे रहे हैं। वो स्माइली उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है उसके पास, कि वो अपनी लाइफ में जब भी उदास होएगी, वो स्माइली की तरफ देखेगी और वो स्माइल करेगी। तो ये आप कैंपेन शुरू कर दीजिए, और जब हम अगला सेमिनार करेंगे, हम स्माइलीज कंटिन्यू करेंगे कि आपके फर्रा के सेंटर से, सीमा के सेंटर से, किसी और के सेंटर से कितनी स्माइलीज आपने क्रिएट करा है। राइट? डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? डन मैम। यस है ना? यस मैम। यस वो मैम। अपने साथ वो स्माइली रखेगी। अगर आप उसके सामने नहीं है, वो आप उस स्माइली के रूप में उसके सामने, वो जब भी आपको मिस करेगी अपनी लाइफ में, वो स्माइली को देखेगी और वो अपनी जो हिडन एनर्जी है उसको वो रिवोक करेगी और अपनी लाइफ में खड़ी होगी लड़ाई के लिए। लड़ाई इन द सेंस की झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ, जो वो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे रिजॉल्व करेगी वो अपनी लाइफ। मेरा लास्ट पॉइंट, मेरा मैम लास्ट पॉइंट, रीड वर्ड होगा वो स्माइली रीड वर्ड स्माइली जो मैम हम रीड वर्ड खाते एंड भी रीड पोटैटो। वर्ड हाँ मैम वो रीड वर्ड होगा जो हम रीड वर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो स्माइली रीड वर्ड होगा हाँ जी, रीड वर्ड एंड विद, जी है ना, उसका टाइटल ऐसे भी। एंड मेरा लास्ट पॉइंट जी है, हमारे सर्वे में ना एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा था, लास्ट ईयर भी आया, इस साल भी है, क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। रेजिलिएंट का क्या होता है कि वो उसके अंदर हमने इतना इतनी ताकत भर दी है कि वो पीछे मुड़ के तो नहीं देखना चाह रही, पर उसको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं जिससे वो हमेशा पीछे हट जाती। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स विच इज इम्पॉर्टेंट, बट वी लीव देम बिहाइंड। जो अपनी लाइफ में हमने उनको सिखा दिया, पर वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं, या उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, या घर के चैलेंजेस हैं, हम उनके उनका कोई हैंड होल्ड करने वाला नहीं है, या कहीं ना कहीं हमने उसको पीछे छोड़ दिया, तो उसमें लाइन जैसी एनर्जी बिल्डअप नहीं कर रही है। तो हम पहले उन लड़कियों को उन औरतों के पास भी जाए। तो ये हम अपने अपने प्रोफेशनल टॉपिक्स में कहते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं, रीचिंग द लास्ट माइल। हमने किसी को, रीचिंग द अनरीच्ड, हमने किसी को छोड़ा नहीं, और उनको फिर अपने एनकरेज करके सेंटर में लाएं और उनको सेल्फ रियलाइज कराएं कि आप में स्ट्रेंथ है और आप आगे बढ़िए। टॉक टू देम ऑन दीज लाइन्स। प्रवीण आपके साथ, सबके साथ डेटा शेयर कर देगा किस सेंटर्स में ये वुमेन है, नंबर ऑफ वुमेन्स हैं जो रेजिलियंट है पर वो कर नहीं पा रही कुछ। तो ये क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो रेजिलियंसी को एड्रेस करने के लिए? और कई बार हमारे सामने भी ये चैलेंजेस आते हैं। पहला है फेलियर्स। फेलियर्स आर एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन। वी आर नॉट परफेक्ट। हमारे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो हमें परफेक्शन की तरफ पहुंचने से पहले ही रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं। हमें इन फेलियर्स को कैसे लेना है? क्या हम इन फेलियर्स से मासूमियत में आके हम बैठ जाए? नहीं। शुड वी गिव अप और अंडरस्टैंड द रोड ब्लॉक्स और इन फेलियर्स को वन बाय वन एड्रेस करके आगे बढ़? एवरी सक्सेसफुल लीडर, एस यू ऑल आर, सबकी लाइफ में फेलियर्स आए हैं और सबने रोड ब्लॉक्स को पीछे करके आगे बढ़े हैं, और आप सब उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हो। सेटबैक्स आते हैं बिजनेस में भी, लाइफ में भी आते हैं,
पर हम कैसे इनको चिंता ना करके एड्रेस करने की कोशिश करें, हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, मैं यहाँ कहूंगी कि हम फेलियर्स को एम्ब्रेस बहुत जल्दी कर लेते हैं, सेटबैक्स को एम्ब्रेस बहुत जल्दी कर लेते हैं, हमारे में स्टेमिना खत्म हो जाता है उनको रिव्यू करने का, उनको रिव्यू करने का, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आज मैंने इतनी एनर्जी आप लोगों में डाली है, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं हम खो देते हैं और हम अपने लोगों के एटीट्यूड के दबाव में आ जाते हैं, बिलीफ में आ जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें लीडरशिप के सेशंस में इतना कुछ, इतने पॉइंटर्स बताए गए हैं, अगर हम उनको याद रखें तो हम कभी भी अपने फेलियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और ना ही होने देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास पैसा नहीं होता बिजनेस करने के, और हम हमेशा पैसा पैसा पैसे को एक सामने मुद्दा रख के बिजनेस शुरू करते हैं, और अगर हम एक ही मुद्दा रखेंगे, पैसे का मुद्दा रखेंगे, तो हमारा बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। पर जो चीजें मैंने आपको अभी सिखाई हैं, जो जो मैंने शेयर करी हैं कि हम नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस, बिहेवियर, एनर्जी, फोकस, हमारा जो है, अगर हम इन सब चीजों में रखेंगे तो जो इनविंसिबल, इनविंसिबल जो नजर नहीं आता, जो जो हमारी रोजमर्रा की अचीवमेंट से ऊपर उठ के है, वो भी आपको मिलेगा, और जो विजिबल रिजल्ट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, और हम रिजिलियंट और भी बनेंगे और सक्सेसफुल भी बनेंगे। वी कैन सी द चेंज इन आवर सेल्व्स एंड इन द कम्युनिटी विद होम वी आर वर्किंग। दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एनीबॉडी कैन टेल मी एनी पॉइंट? आज मैं ज्यादा बोली हूँ, 1 घंटा हो गया है, अगर आप बोलेंगे कुछ तो बोलिए, मैं 10-15 मिनट और एक्सटेंड कर सकती हूँ, नो इश्यूज एट ऑल। थैंक यू सो मच मैम, हमारे काम को आपने इतनी डीपली बताया है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने काम करते हैं। हमसे यस ज्यादा आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और उसका हमें आउटपुट क्या, इनपुट क्या मिलता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत डीपली बताया कि एफर्ट्स क्या होते हैं, हार्ड वर्क क्या होते हैं, फिर उनके ड्रीम्स, फिर उसको रियलिटी में बदलने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू मैम। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते मीना, कैसी हो? कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ मैम। हाँ मैम, सेशन से इतनी एनर्जी मिलती है, ताकि आप किसी भी गांव में चल जाएं, और वहां पे चाहे बिल्कुल न्यू गांव है, अभी एक्सपीरियंस किशनगंज से आज लिया है मैंने, किसी भी गांव में जाए वहां मीटिंग करते हैं, लोग अपने यहाँ जुड़ जाते हैं, कहीं दूर दूर तक हिचकिचाहट नहीं होती मन में। किसी को भी मतलब ये स्ट्रेंथ मैंने अपने आप में अब महसूस की। अगर मैं 6-7 साल पीछे देखती हूँ, तब मैं क्या थी और आज क्या हूँ, तो रीट से इतना कुछ सीखा है। और हमने वहाँ पे जब शुरुआत की थी अभी 2 महीने पहले किशनगंज में, तो एकदम शुरू में लगा कि कैसे स्टार्ट करें, पर जो आपके सेशन से इतनी एनर्जी मिलती है, और आप जब केलवाड़ा आई थी 12 में, तो बोल के भी गई थी कि तुम आगे तो बढ़ो, करो तो सही होगा, और वास्तव में वहां पे इतने सारे लोग निकल के आ रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं, जेंट्स भी हैं, वो अपनी लड़कियों को, बहनों को लेके वहां पे खुद रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी हम लोग सोच रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी लीडरशिप की ट्रेनिंग है, जो बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन है, तो जिस भी गांव में जाते हैं, अगर 40 महिलाओं की मीटिंग करते हैं, तो 20-25 महिला पक्का रजिस्ट्रेशन करवा देती है। अभी हमने हैंडीक्राफ्ट का बेच बनाया वहां पे, हर्बल प्रोडक्ट का बनाया, जो 4-5 किलोमीटर के एरियाज हैं उनमें भी हम लोग गए, तो वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये सब मैम रीड से सीखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पता है कि आप लोग हमारे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो तो मैं हर बार एक्नॉलेज कर, क्योंकि इतना आसान नहीं है, पर मेहनत करने के बाद अपने आप को विक्टोरियस समझना कि ये मेरी विक्ट्री है, वो बहुत जरूरी, और उस विक्ट्री को लेके घमंड ना आके हम थैंकफुल के उसमें आ जाएं, ग्रेटिट्यूड में आ जाएं, दैट इज द क्रक्स ऑफ द लाइफ।
है, आज मेरा सेशन उस पे फोकस था। थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स? ये पार्टिसिपेंट्स की मेरे पास लिस्ट आती नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। कोई इसको इसको ले सकता है रिकॉर्ड में, क्योंकि मैं सबको अपने सेशन भेजना चाह रही हूँ। हाँ, और कोई एनीबॉडी एल्स? हम सब गीता मैम के लॉयन हैं, इधर उधर घूम के हैं, सबको बना रहे हैं लॉयन अपने साथ। तो हम सब ईड इंडिया के लॉयन बनके और सबको बिना शोर मचाए, जैसा आपने बोला बिना शोर मचाए हम अपना काम कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं मैम। और इतना एट द एंड ऑफ द डे हम लोग, जब आपको मैंने पहले भी बोला, इतना अच्छा फील होता है कि वी आर सर्विंग आवर कम्युनिटी, लिविंग टुगेदर विद देम, और यहाँ रह के उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। वो एक इतना सेटिस्फेक्शन होता है इस चीज का, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि वी आर डूइंग समथिंग वेरी गुड फॉर आवर कम्युनिटी एंड वेरी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच गीता मैम। तो मैं अभी वाइंड अप करती हूँ सेशन को। इट्स 5:15, ऑलमोस्ट 5:10 हो गए हैं। इफ नो वन एल्स वुड लाइक टू शेयर, अगर किसी ने करना है तो मेरे को फटाफट बता, आज अदरवाइज टाइम था, आज टाइम पता भी नहीं चला मैं बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।